जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना को लेकर पूरा देश अभी भी संकट में ही है और पूरे देश में इतना लंबा लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के दौरान सारी गतिविधियां बंद रहीं, मार्केट से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके एजुकेशन तक सब गतिविधियां बंद रहीं, यहां तक कि स्कूल और कॉलेज अभी भी बंद हैं। जब स्कूल बंद हुए तो उस समय परीक्षाएं चल रही थीं, जब लॉकडाउन लगाया गया स्कूल की। हमने दिल्ली सरकार के स्कूलों के बारे में निर्णय लिया था कि 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं ना करा के 9वीं और 11वीं के बच्चों को उनके जो इन हाउस एग्जामिनेशंस होते हैं, टर्म एंड एग्जामिनेशंस होते हैं, मिड टर्म एग्जामिनेशंस होते हैं, और दूसरे तरीकों से इवेल्युएट करके बिना एग्जाम कराए उनको प्रमोट करेंगे, और वो हमने किया। उसके बाद हमने केंद्र सरकार से कहा, क्योंकि CBSE बोर्ड है, कि 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम भी इसी तर्ज पर कैंसिल कर दिए जाएं जो बाकी एग्ज़ाम बच गए थे। शुरुआत में थोड़ा सा उनको आपत्ति थी, लेकिन उसके बाद फाइनली 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम भी दिल्ली की 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं के तर्ज पर, क्लास के प्रयोग के तर्ज पर कैंसिल करके और बच्चों को इवेल्युएट किया जा रहा है। अब स्कूल का मामला तो सुलझ गया, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ का मामला काफ़ी पेचीदा था, क्योंकि इस पूरे सेमेस्टर बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई। थोड़ी बहुत ऑनलाइन पढ़ाई हुई, लेकिन लैब्स, लाइब्रेरीज, प्रैक्टिकल्स, फील्ड रिसर्च सब कुछ बंद रहा, पूरी तरह से बंद रहा, कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। और जब पढ़ाई नहीं हुई तो अब समस्या यह है कि परीक्षा कैसे लें। जिस सेमेस्टर की परीक्षा होनी है उस सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं हुई। दिल्ली सरकार का मानना है कि ऐसे में जिस सेमेस्टर को पढ़ाई नहीं गया उसमें परीक्षा कराना मुश्किल है, उसकी परीक्षा कराना मुश्किल है। इस पर काफ़ी कुछ समय से चर्चा भी चल रही है, क्योंकि जुलाई का जो महीना होता है वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अमूमन यूनिवर्सिटी की परीक्षाएँ जुलाई के महीने में होती हैं। सरकार का मानना है कि इस अभूतपूर्व समय में अभूतपूर्व निर्णय लिए जाने जरूरी हैं। मुख्यमंत्री जी, अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स एंड वी नीड टू हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजंस इन दिस टफ टाइम। इसलिए आज सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली राज्य की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सभी आगामी परीक्षाएँ कैंसिल कर दी जाएंगी। इसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो आगामी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं वो भी, और जो टर्मिनल एग्ज़ाम्स हैं यानी फाइनल एग्जामिनेशंस हैं उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर का कोई भी आगामी परीक्षा दिल्ली राज्य की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं ली जाएगी। सभी यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है कि बिना रिटन एग्ज़ाम कराए पुरानी परीक्षाओं के आधार पर या पुराने सेमेस्टर के आधार पर या और असेसमेंट्स जो अभी तक किए गए हों उनके आधार पर या कोई और प्रोग्रेसिव तरीका समझ के निकाल के बच्चों को प्रमोट करें। जो सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले बच्चे थे उनको अगले सेमेस्टर में प्रमोट करें उसके हिसाब से इवेल्युएट करके, और जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे थे या फाइनल ईयर के बच्चे थे उनको भी इसी तरह से इवेल्युएशन करके बाकी सेमेस्टर्स के आधार पर या उनके और असेसमेंट्स के आधार पर इवेल्युएट करें और फिर उनको डिग्री अवार्ड करें। इस समय परीक्षाएं कराई नहीं जा सकती क्योंकि कोरोना का डर है, और बच्चों को डिग्री देना इसलिए ज़रूरी है कि जिन बच्चों ने 3 या 4 साल तक की मेहनत करके पढ़ाई की है और अब वो डिग्री लेकर नौकरी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ लग भी गई होंगी, उनके इंटरव्यूज़ हो गए होंगे, वो अपने परिवार की और देश की इकोनॉमी में योगदान करने के लिए उनका नौकरी करना ज़रूरी है या उनको आगे की पढ़ाई के लिए कहीं अप्लाई करना ज़रूरी है, तो वैसे में उनको डिग्री देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है कि फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन जिन बच्चों को आगामी परीक्षाएं देनी थी उनको कैंसिल करके इवेल्युएशन के कुछ पैरामीटर्स बनाए, उसका कोई फॉर्मूला बनाए और उनका इवेल्युएशन करके उसके आधार पर उनको डिग्री अवार्ड करें, क्योंकि परीक्षा
बच्चों को दिलाना कोरोना की वजह से उनके साथ अन्याय होगा, और परीक्षा ना होने की वजह से, फॉर्मल परीक्षा ना होने की वजह से डिग्री रोक के रखना भी बच्चों के साथ में अन्याय होगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार के इस फैसले से दिल्ली के उन लाखों बच्चों को बहुत राहत मिलेगी जो पूरे सेमेस्टर पढ़ नहीं पाए और अब परीक्षाओं पे भी अनिश्चितता की वजह से उनके आगे के करियर पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। लेकिन ये सारा अरेंजमेंट जो दिल्ली सरकार ने आज निर्णय लिया है, ये दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU और कई सेंट्रल विश्वविद्यालय हैं, इसके लिए केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी के नाम, वो उनको अलग से चिट्ठी लिख रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जो निर्णय दिल्ली सरकार ने अपने विश्वविद्यालयों के लिया है, के लिए लिया है, राज्य के विद्यालयों के लिए लिया है, वही निर्णय केंद्र सरकार भी सिर्फ दिल्ली नहीं देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ले, कॉलेजों के लिए ले, ताकि उसमें पढ़ रहे लाखों बच्चों को भी अनिश्चितता के इस माहौल में कुछ राहत मिले और वो अपने आगे के बारे में सोच सकें। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी की रिक्वेस्ट पर प्रधानमंत्री जी जल्दी ही इस पर निर्देश